A very warm welcome to Prep IAS. I am Dr. Mohammad Zia. This is our medieval history series और हम इसे एक 10 lecture की series का plan है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे interesting but to be left over part है, generally जो लोग छोड़ देते हैं before going into prelims is medieval history. So that's a attempt कि आप इन videos को देखें, lecture series को देखें और आप इसे एक quick revision कर सकें, especially about medieval history. क्योंकि देखा ये गया है कि बहुत सी बार ऐसा होता है दैट आई हैव सीन एस्पिरेंट्स कि सर कोई ज़रूरत है नहीं, मेडिवल हिस्ट्री से जो है कुछ क्वेश्चंस ही आते हैं, दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन आते हैं. इफ़ यू आर हैविंग अ गुड डे देन दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक 2 to 3 क्वेश्चंस यू कैन एटलीस्ट गेट फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री विच इज़ अ गुड अमाउंट बिकॉज दिज आर नॉट जस्ट 2-3 क्वेश्चंस, दिज आर लाइक 4 to 6 मार्क्स. और जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया है और जो इस बार पहली बार दे रहे हैं, आई कैन टेल यू दैट कट ऑफ का जो रेट है वो आप ये मान के चलिए कि ये 0.4 से 0.6 नंबर बहुत ज़्यादा हैं उस स्टेज पे जहाँ पे आप हैं. प्रीलिम्स अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इन द होल एग्जामिनेशन. यस I repeat again, prelims is the most difficult part in the whole examination. क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा students को मैंने fumble up होते देखा. क्योंकि आप खुद सोचिए, if let us assume that 1 million students have filled the exam, 500,000, let's say 60% or 6 lakh students they are giving exams. अब आप सोचिए कि इन 6 lakh students का fate, इनकी किस्मत, इनका जो जीवन का, इनका जो भविष्य है वो किस पे तय होगा, वो तय होगा इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 200 मार्क्स. 6 lakh स्टूडेंट्स, 200 मार्क्स. दिस इज़ व्हाई प्रीलिम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द होल एग्जामिनेशन. वंस यू गेट थ्रू इट, मेंस इंटरव्यू इज समथिंग वेयर यू हैव समथिंग इन योर हैंड. मतलब आप उसको कुछ किसी तरीके से भी अपने तरह से मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. सो दैट इज़ वाई प्रीलिम्स में जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री है या और भी ऐसे एनवायरमेंट इकोलॉजी तो खैर एक मेजर टॉपिक है, छोटे टॉपिक्स जहाँ से आपको उम्मीद है 2-3 सवाल आएंगे, मेरा ये कहना है कि उन्हें आप ज़रूर करें. क्योंकि यही 2-3 सवाल जो हैं आगे चल के आपको कट ऑफ के उस पार ले जाने में मदद करते हैं. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली दैट दीज 2-3 क्वेश्चंस आर समथिंग विच यू विल यू नो एक्चुअली अगर आप इसे कर लोगे तो यू विल बी थैंकिंग द गॉड दैट यू हैव डन दिस. सो लेट अस बिगिन दिस मेडिवल इंडिया. एंड जो लोग मुझे प्रेप IAS के प्लेटफॉर्म पर पहली बार देख रहे हैं, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. सो दिस इज़ वॉट माई जर्नी हैज़ बीन सो फार. स्टार्टेड माई जर्नी ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन में आई डिड दैट इन एग्रीकल्चर साइंसेज. फिर ऑल इंडिया एग्जाम क्लियर किया, मास्टर्स में एडमिशन लिया, देन आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विथ आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच. देन ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली मैंने अपना UGC नेट क्लियर किया. आई डिड माई डॉक्टरेट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी. In the meanwhile, I did some courses like I have completed one certification on entrepreneurship and emerging economies from Harvard Business School. Or as far as history is concerned, yes, I have completed my MA in history from Indira Gandhi National Open University. This is something which I have done in my career, research papers, presentation, publication. But one of the most learning experience for me when I worked with NCERT, because that has taught me a lot. I worked there as an assistant professor for almost 2-2.5 years, and I'm teaching in this field for more than now 7 years. So NCERT has taught me a lot, and that experience is actually helping you people. Sometime it happens. The smart peoples are those who learn, जो दूसरों के तजुर्बे से, जो दूसरों के तजुर्बे से सीखते हैं. आई थिंक दे आर द स्मार्ट पीपल. एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वॉचिंग मी ऑन द स्मार्टफोन स्क्रीन. सो यस, यू आर द स्मार्ट पीपल, यू आर द स्मार्ट एज एंड द स्मार्ट जनरेशन. सो दिस इज़ अबाउट मी. एंड नाउ लेट अस बिगिन आवर स्टोरी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. अब अगर आप मेडिवल इंडिया को देखें, मेडिवल इंडिया पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको लगता है कि कई बार हम
जब मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, जब मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, तो हमें एक मिसकंसेप्शन ये माना जाता है कि मेडिवल इंडिया इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड और विच इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम रूल इन इंडिया, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू. देखिए, हिस्ट्री में कोई भी स्विच नहीं है या कोई कैलेंडर नहीं है कि ठीक है आज से एक साल ख़त्म होता है, अगला साल शुरू होगा और उस अगले साल में जो है हम नई चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं. हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री का बाइफरकेशन देखें, छोटा सा दिस इज स्पेलिंग ऑफ हिस्ट्री एंड इफ यू कैन ब्रेक इट लाइक दिस, दिस इज व्हाट हिस्ट्री इज, हाई स्टोरी. ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कैलेंडर नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरीके का एक टाइमलाइन नहीं है, कोई स्विच नहीं है कि ओके आज से हम एक गियर चेंज करते हैं, नाउ फ्रॉम नाउ मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट्स और फ्रॉम नाउ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स. नहीं, हम कुछ ऐसे इवेंट्स को मानते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट होते हैं, और या वो इवेंट्स, अगर मैं बिल्कुल साफ ज़बान में कहूँ, तो वो इवेंट्स जिनमें कुव्वत थी, जिनमें काबिलियत थी कि वो वक्त को बदल सकते थे, और वक्त के बदलने में उन उन इवेंट्स का देयर वॉज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. हम कहते हैं कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है. जैसे हम, आप सब, लेट्स से अज्यूमिंग ऑल यू आर इन योर ट्वेंटीज़, और आप सब लोग को पिछले 20-25 साल का जो भी आपकी ज़िंदगी है उसमें से क्या याद है? बर्थडे, पहली बार स्कूल गए वो पेरेंट्स ने बताया होगा, आपने पहली बार टॉप किया होगा वो बताया होगा, या आप पहली बार एग्ज़ाम में कोई फेल भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स बैठते हैं, कोई फेल भी हुआ होगा, और पहली बार आप कॉलेज गए होगे वो याद होगा, कॉलेज में पहली बार किसी से मिले होगे वो याद होगा. तो ऐसी चीज़ें हमें याद रहती हैं. हमें पिछले 20 साल या 25 साल की ज़िंदगी जो हमने गुजार दी है वो एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नहीं याद है. ऐसे ही हिस्ट्री है. हम हिंदुस्तान की तारीख की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं ये 5000 साल पुरानी जो है सभ्यता है, दिस इज़ अ सिविलाइजेशन विच इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड, बट वी डोंट रिमेंबर ईच एंड एवरी डे एंड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दोज 5000 ईयर्स. वी रिमेंबर, वी टेक इन टू कंसिडरेशन ओनली दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री जो इम्पॉर्टेंट था, जिस जो सिग्निफिकेंट रखता है, या जो हमारा आज है, आज मतलब जो हमारा प्रेजेंट है, आज का हमारा हिंदुस्तान है, उसके बनने में या उसके कहीं ना कहीं उसके आज की शक्ल देने में कहीं ना कहीं उसका भले ही 0.001% लेकिन कंट्रीब्यूशन है. तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग व्यू है, अलग अलग ओपिनियन है रिलेटेड टू द डेट्स विच आर रिलेटेड विच आर टॉकिंग अबाउट दी टूवर्ड्स द डेट जो कि मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं या टाइमलाइन है. एक रफ टाइमलाइन जो है, हमने मिडिवल हिस्ट्री को हम कहते हैं कि ये 600 से लेके 1200 सी तक का एक फेज़ है और 1200 से 1800 एडी तक का एक फेज़ है. ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्ता एज जो थी, जो आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ी होगी, गुप्ता एज इज़ कंसिडर्ड टू बी द डाउनफॉल, मतलब वहाँ के बाद जो है मेजर कोई इवेंट ऐसा आता नहीं या कोई एम्पायर नहीं बन पाता. उसके बाद अगर आप देखोगे कि कोई एम्पायर था बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, हर्षवर्धन का जो एम्पायर था आपने वो देखा भी होगा, एंड या साउथ में जो पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास थे इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये एम्पायर जो थे, लेकिन ये इतने प्रोमिनेंट या इतने बड़े नहीं हुए थे कि जिस तरीके से यह मगध था या हम मौर्यंस को कहते हैं या जो हम गुप्ता एम्पायर को कहते हैं, इतना बड़ा कोई नहीं हुआ. इतना बड़ा कोई हुआ तो फिर वो आगे चल के दिल्ली सल्तनत ही होगी. राजपूत भी आएंगे लेकिन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दे विल बी वेरी मच बाइफरकेटेड, दे विल वेरी मच बी यू नो फ्रैगमेंटेड. तो ये दो पार्ट मोस्टली आपके एंशियंट हिस्ट्री के पिछले लेक्चर्स में कवर हो चुके होंगे, जहां आपने हर्षा के बारे में पढ़ा होगा, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, मौखरी, मौखरीज ऑफ कन्नौज, इन लोगों के बारे में, एंड आई बिलीव जो पल्लवास, चालुक्यास और पांड्यास हैं. हम अपनी जो हिस्ट्री शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे अपनी हिस्ट्री राजपूत से. आपने देखा किस तरीके से गुप्ता एम्पायर के जाने के बाद, गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बाद, जो थोड़े बहुत उनके प्रति जो प्रतिहारा और महाप्रतिहारा जिनको उन्होंने फ्यूडिटरी थे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को हम ये भी कहते हैं कि गुप्ता एम्पायर इज़ द पॉइंट ऑफ बिगनिंग जहाँ इंडिया में फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है. इस फ्यूडलिज्म की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि वहीं से, जैसे क्योंकि जैसे ही जो फ्यूडल लॉर्ड है
वो ये जो राजा है वो हटा, जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे इन्होंने अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम जो है इस्टेब्लिश किया। इसलिए हमें दिखता है कि गुप्तास के बाद एक बहुत ज़्यादा एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती हैं और कहती हैं कि नाउ वी आर रूलर। और यही हमें दिखा, चाहे आप पुष्यभूतीज़ को ले लो, मौखरीज़ को ले लो, मैत्रिकास को ले लो, ये सारे लोग जो हैं गुप्तास, द अदर गुप्तास जो मगध से थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस इस ड्यूरेशन में उनकी अगर आप बात करोगे तो ये सब कहीं ना कहीं यशोधर्मन जो मालवा से आया था वो, तो ये सब स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ थी। इन्होंने अपने आप को बाद में चल के जो है किंगडम में या रूल में इस्टेब्लिश किया। एंड देयर आफ्टर व्हाट दे डिड, देयर आफ्टर उन्होंने अपने आप को मतलब इनके बीच स्ट्रगल हुआ एंड अल्टीमेटली विच लेड टू फर्दर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द लैंड। सेम स्टोरी वॉज गोइंग ऑन, दिस स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवास, चालुक्यास एंड द पांड्यास। सो दिस इज़ द रफ स्टोरी, एक बैकग्राउंड जहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। और इस दौरान बिफोर राजपूत, मतलब गुप्ता एम्पायर में और गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल से लेके जो हम एक इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, इस दौरान सिर्फ एक रूलर है जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एक रूलर है जिसको कि जिसको थोड़ा बहुत या जिसको आप ग्रेट कह सकते हो, एंड दैट्स हर्ष, हर्षवर्धना, वर्धना डायनेस्टी। यहां पर किसी भी एक चीज याद रखिएगा, अब एक एज आएगी और अभी आगे चल के भी, जब तक हम यहाँ तक द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया तक नहीं पहुँच जाते, आपको एक चीज़ दिखेगी कि किसी भी राजा को हम ग्रेट कह देते हैं। हम ग्रेट क्यों कहते हैं? अलग अलग समय पे ग्रेटनेस का जो पैमाना था वो अलग था। एक पॉइंट आया जब हमने देखा कि कौन राजा के पास, जिस राजा के पास जितना बड़ा साम्राज्य है, जितना बड़ा एम्पायर है, दैट वॉज कंसिडर्ड टू बी ग्रेट। अ पॉइंट विल कम वेन यू विल सी दैट द किंग हु हैज़ डिफीटेड, नाउ नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ लैंड, मतलब सिर्फ साम्राज्य बना लेना जो है महानता का एक पैमाना नहीं बना और ग्रेटनेस का एक पैरामीटर नहीं बना। किसने कितने राजाओं को हराया, हाउ मेनी किंग्स हैव बीन डिफीटेड, जैसे हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं या हम चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं या हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, हम अशोका की बात करते हैं, तो हम यह दोनों चीज़ें देखते हैं कि उसने कितना ज़्यादा जो है एम्पायर अपने अपने कब्जे में लिया और कितना ज़्यादा जो है उसने, कितने ज़्यादा राजाओं को उसने हराया। अब आगे चल के एक पॉइंट आएगा कि हम ये भी देखेंगे, क्योंकि जब रूल शुरू होगा, जब प्रॉपर एक होता है एक्विजिशन, तो ये यहाँ तक एक्विजिशन ही चल रहा था। यहाँ पे जो शासन है, जो जो रूल है, उसके उतना ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं मिलता मौर्याज और गुप्ताज के अलावा। आगे चल के हम देखेंगे कि कोई राजा कितना ग्रेट है, स्पेशली जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे आगे चल के, वो ये डिपेंड करेगा कि उसका उसकी सब्जेक्ट के साथ, उसका उसकी प्रजा के साथ किस तरीके का रिलेशन था। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट्स, दैट हाउ द सब्जेक्ट्स, हाउ द पीपल वर हैप्पी और अनहैप्पी विद द किंग इन इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट विल डिटरमाइन दैट हाउ अ ग्रेट अ किंग वॉज। आप मोहम्मद बिन तुगलक को कहेंगे कि वो महान नहीं था, वो मतलब एक तरीके से ही वॉज अ डिजास्टर, द रीजन बींग बिकॉज ही वॉज समथिंग लाइक, उसकी पॉलिसीज ऐसी नहीं थी, द पीपल वर नॉट हैप्पी, ऑन एट द सेम टाइम उसका साम्राज्य बड़ा था। जिसने अपनी कैपिटल डेक्कन में की तरफ शिफ्ट की हो, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ तो था जिसकी वजह से वो डेक्कन की तरफ शिफ्ट कर रहा था। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि अकबर का साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, द एम्पायर ऑफ अकबर वॉज नॉट सो ह्यूज, बट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस टॉलरेंस, बिकॉज ऑफ हिज राजपूत पॉलिसी, बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, बिकॉज ऑफ हिज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, पीपल वर एट अ पॉइंट पीपल वर हैप्पी विथ हिम, पीपल वर हैप्पी विद द पॉलिसीज दैट वर ब्रॉट बाय हिम। सो वॉट हैपेंड दैट नाउ दे विल से ओके, अकबर इज ग्रेट। औरंगजेब वॉज हैविंग ट्वाइस द एम्पायर अकबर हैड, ऑलमोस्ट, अकबर कुड नेवर क्रॉस नर्मदा, औरंगजेब वॉज हैविंग एम्पायर टिल मदुरई। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम औरंगजेब इज नॉट ग्रेट बिकॉज पीपल वर नॉट हैप्पी, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी विल जज द रूलर्स, वी विल जज द एम्पायर्स एंड सो ऑन। Now let us begin the story and first of all understand what was the condition
of India in 600C. So I have told you already most of the things here. गुप्ताज के बाद हमने देखा कि गुप्ताज जो मगध थे, ये मेन गुप्ता डायनेस्टी के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करना है. मौखरी, पुष्यभूति और मातृका, ये चार ऐसी डायनेस्टीज थी. गुप्ताज जो थे दे वर बियरिंग द सेम नेम. सो एक चीज़ यहाँ पे बस मैं आपको ये पॉइंट दोबारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है. ये गुप्ताज ऑफ मगध आर नॉट, आई हैव रिटन दिस हियर ऑल्सो, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द मेन गुप्ता डायनेस्टी, ये अलग थे. ठीक है, मौखरीज और पुष्यभूतिज, मातृकाज ये थे. एंड ये कन्नौज, अभी हम आगे चल के देखेंगे, कन्नौज जो है एक सेंटर बन जाएगा. कन्नौज जो है एक सेंटर बन जाएगा किस चीज़ का? कन्नौज एक सेंटर बन जाएगा स्ट्रगल का, क्योंकि जिसने कन्नौज के ऊपर कब्जा किया माना ही जा रहा था, माना ही जाएगा कि उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल ले लिया. ठीक है, सो दिस होल स्टोरी वॉज गोइंग ऑन. एंड देवर मैथ्रिकाज, मैथ्रिकाज जो है ये गुजरात का जो रीजन था उस तरफ रूल कर रहे थे, सौराष्ट्र वाले हिस्से में. वल्लभी उनकी कैपिटल थी एंड अगेन इम्पॉर्टेंट सेंटर. सो हम ये भी देखते हैं कि ये जो शहर डेवलप होंगे अब आगे चल के वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट सेंटर, या तो वो इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड हो जाएंगे या इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ आर्ट लर्निंग एंड आर्ट एंड लर्निंग हो जाएंगे. ठीक है, एंड इसके अलावा ये चार मेजर किंगडम्स थे 600 CE के आसपास. चार मेजर किंगडम्स थे, गुप्ताज, मौखरीज, पुष्यभूतीज और मैत्रिका नॉर्थ इंडिया में. तो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा कुछ इस तरीके का मैप है, ठीक है, तो हम इस रीजन की बात कर रहे थे. यहाँ पे ये वल्लभी गुजरात वाला आ गया, कन्नौज वाला आ गया, इधर मालवा की तरफ था, इधर मगध की तरफ था. तो ये चार ऐसे मेजर किंगडम थे और इनके आसपास छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी. और ये ही छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज़, जो छोटी रियासतें थी, अब इनको राज्य या यू नो यू कॉन्ट कॉल देम एम्पायर और किंगडम, देवर प्रिंसिपैलिटीज़. एंड दीज प्रिंसिपैलिटीज़ देवर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ ईच अदर, देवर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ ईच अदर. एंड दैट्स वाई वी नेवर फाउंड दैट there is a fixed border, there is something called as a fixed border in case of especially in this time period. Longest isme kisne survive kiya? Longest isme survive kiya Maitreka ne, in charon mein. Kaun kaun se char abhi humne dekhe? Guptas, Pushyabhutis, Maitreka and Mokri. Ye 600 to 700 aur ye kab tak? Jab tak Arabs ka attack nahi ho gaya ye tab tak jo hai सर्वाइव कर रहे थे, तब तक सर्वाइव कर रहे थे. सो दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव रेड इन द, यू मस्ट हैव स्टडीड इन द अर्लियर सेक्शंस ऑफ मेडिवल, आई एम सॉरी, एंशिएंट हिस्ट्री. हमारी जो कहानी शुरू होगी, हमारी कहानी शुरू होगी राजपूत से. राजपूत बड़े मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कौम है. वो इसलिए है क्योंकि दे हैव अ वेरी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. And I think, I'm sure, protection of women or protection of honor, protection of the कमज़ोर, मतलब जो weaker class है, weaker section है, उनकी उनको बचाना शायद इनके लिए सबसे सम्मान की बात है. और इनके लिए उससे सम्मान की बात है कि आप अपना, you know, the biggest honor for them is to fight, is you know, मतलब वो खेलते थे अगर मैं उस दौर की बात करूँ. और जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शन होगा उन्होंने ओरिजिन ऑफ राजपूत्स के ऊपर काफ़ी थ्योरीज पढ़ी होंगी. अग्निकुल थ्योरी है और दूसरी थ्योरीज हैं. तो राजपूत्स कंसिस्ट ऑफ 36. अब राजपूत्स के जो है ना 36 अलग अलग क्लैंस थे, 36 अलग अलग एक तरीके से घराने कह लो वो थे. और ये इनका मानना था कि ये तीन डिफरेंट लीनियजेस से आए हैं, तीन डिफरेंट डिसेंट से आए हैं. दे वर कॉल्ड एज वंश. सूर्यवंशी का मानना था कि वो सूर्य देवता सन गॉड से आए हैं. चंद्रवंशी का मानना था दे आर डिसेंडेंट ऑफ द मून गॉड. और अग्निवंशी का मानना था कि वो अग्नि से उनका जो उत्पत्ति है या वो क्लैंस जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो यहाँ से हुआ. ये उनके डिसेंडेंट्स हैं सूर्यदेव के, चंद्रदेव के, अग्निदेव के. और यहीं से जो है इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन, पहला डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है बिटवीन अमंगस्ट द राजपूत्स. एंड दैट दिस राजपूत हैड consisting of 36 different clans. अब इसी के अंदर अलग अलग जो घराने हैं या अलग अलग जो वंश हैं, क्लैंस हैं, वो डेवलप हुए. और यही उस पूरे राजपूताना में, हम राजपूताना की अगर हम बात करें, ठीक है,
ये इंडिया का रेड से मैप है और हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, इस हिस्से में मैक्सिमम यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे 36 डिफरेंट क्लैंस रूल कर रहे थे, लेकिन यही वो रीजन था जो कि इंडिया का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था, जिसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी था, जिसका डिफेंस होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं होता, और वो नहीं हुआ, आगे चल के हम देखेंगे कि वो नहीं हुआ, दैट बिकेम वन ऑफ द मेजर कॉज कि यहाँ से सेंट्रल एशिया की तरफ से जो इन्वेजन आया, द अरब एंड द टर्किश इन्वेजन, दैट बिकेम वन ऑफ द मेन रीजन। नाउ दिस इज समथिंग विच वी हैव टू गो ऑन, बट बिफोर दैट राजपूत्स को हमने देखा, और राजपूत का जो पीरियड है, दे बिलोंग टू द अर्ली मिडिवल पीरियड, एंड रफली दिस इज द राजपूत पीरियड, 647 AD से लेके 1200 AD तक। 1200 AD बेसिकली मीन्स टिल द अरब एंड टर्किश इन्वेजन, जो बैटल ऑफ तराई है, सेकेंड बैटल ऑफ तराई है, वहाँ से हम देखते हैं कि द मुस्लिम रूल्स मोर और लेस स्टार्ट्स, एंड दे आर और हर्षा की डेथ से, जैसे आपने देखा होगा, टिल 12th century, मतलब ये इस पूरे टाइम पीरियड तक नॉर्दर्न इंडिया में देवर वेरियस राजपूत डायनेस्टीज हुआ रूलिंग। बहुत सारी ऐसी राजपूत डायनेस्टीज थी जो इस टाइम पीरियड में यहाँ पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। मोस्टली ये क्या थे, अब वर्ण व्यवस्था में, वर्ण सिस्टम में ये क्या थे, वर्ण सिस्टम में ये थे क्षत्रिय, वर्ण सिस्टम में ये थे क्षत्रिय। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देवर 36 डिफरेंट क्लैंस, लेकिन उसमें जो मेजर थे, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो मतलब मैच द कॉलम्स के नाम पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कौन कौन से, तो 36 थे, लेकिन मेजर कौन थे, द प्रतिहाराज ऑफ अवंती, अवंती मतलब उज्जैन वाला रीजन, द पालाज ऑफ बंगाल, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, क्योंकि पहले चौहान्स ने जो है अजमेर में रूल किया, फिर उन्होंने दिल्ली में रूल किया। आफ्टर दैट द राठौर्स ऑफ कन्नौज, गोहिलाज और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा, सेन ऑफ बंगाल एंड सोलंकीज ऑफ गुजरात। अब ये क्या है, ये डिफरेंट राजपूत क्लैंस है, जैसा मैंने आपको बताया कि 36 अलग अलग क्लैन थी, लेकिन ये मेजर थी जिन्होंने इस पूरे रीजन में, अब आप देखिए अवंती उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, तो बंगाल से लेके गुजरात तक, रफली जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, पूरा जो दिस इज़ लेट्स से दिस इज़ गुजरात, ठीक है, तो ये पूरे रीजन पे मोर और लेस जो है इनका, पूरे रीजन पे इनका क्या था, इनका कंट्रोल था, पूरे रीजन पे जो है इनका कंट्रोल था, अलग अलग था, बट यस, हमने जो एक टाइम पीरियड लिखा, दैट 647 AD टू 1200 AD, और टू बी वेरी प्रिसाइज 1192, एक आप सेक्शन, एक आप ओपिनियन ले सकते हो 1206, द स्टार्ट ऑफ द मामलुक डायनेस्टी। इस पूरे ड्यूरेशन पे जो नॉर्थ इंडिया है, गुजरात से लेके बंगाल तक और ऊपर दिल्ली तक, किसका रूल था, राजपूत का ही रूल था, अलग अलग क्लैंस थे जिनका रूल चल रहा था। ओके, नाउ हम जो इनके मेजर रूल्स रूलर थे उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्रतिहारा थे, जो गुर्जर प्रतिहारा थे। अब आप ये पूरा रीजन देख सकते हैं कि यहाँ से लेके इस पूरे रीजन पे किसका रूल था, इनका रूल था, और ये कब से कब तक था, 8th to 11th century AD। नाउ ओवर दे वर रूलिंग ओवर द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न इंडिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये स्ट्रांग थे, इसमें कोई शक नहीं, गुर्जर जो थे, गुर्जर प्रतिहारा जो थे, ये स्ट्रांग थे, और इन्होंने एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंध और मुल्तान है, ये सिंध है, ये मुल्तान है, और ये तब तक जो है यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी है, कश्मीर है, ये सिंध और मुल्तान जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जो खलीफा है उनके कंट्रोल में आ चुका था। महमूद गजनी भी इसी दौर में था, जुनैद जो थे, जुनैद ऑफ सिंध, मतलब यहाँ पर अब तक मुस्लिम रूल आ चुका था। लेकिन वाई वी आर कॉलिंग दिस प्रतिहाराज एज अ फोर्टिफिकेशन, वी आर कॉलिंग दिस प्रतिहाराज एज अ फोर्टिफिकेशन बिकॉज दीज प्रतिहाराज दे हैव मेड, इन्होंने एक बहुत अच्छी डिफेंस लाइन बना रखी थी, दैट दीज जुनैद, मतलब 725 AD से लेके महमूद गजनी तक, करीब 300 साल का एक छोटा सा, एक अगर हम रफ टाइम पीरियड लें तो लगभग 300 सालों तक जो है ये इससे आगे नहीं बढ़ पाए। हम देखेंगे महमूद गजनी 1000
25-26 AD के आसपास जो है वो आएगा, इससे 300 साल बाद। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम का दौर था, जुनैद अफसिन, जुनैद बगदादी का दौर था, ये सारे लोग जो थे ये जो है इस लाइन के आगे, ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है ये पोरस नहीं था, मतलब ये सिंध और मुल्तान से ईस्ट की तरफ जो है वो नहीं बढ़ पा रहे थे। और इसमें बहुत बड़ा रोल किसका था, इसमें बहुत बड़ा रोल था प्रतिहारास का। अब मेजर रूलर्स की बात करें तो फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, नागभट्टा वन वॉज द फाउंडर एंड ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी, और कन्नौज उनकी कैपिटल थी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ आर रिविजन एंड दिस इज़ आर क्विक कोर्स, सो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग मच इन टू डिटेल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली, फाइन। देन फाउंडर ऑफ आफ्टर हेम जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया वो प्ले किया वत्स राजा और नागभट्टा टू ने, इन्होंने एम्पायर को, जो हमने यहाँ पे एम्पायर देखा, जो हम इस एम्पायर की बात कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन में, इसके मर्जर्स और एक्सपेंशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसने, इन लोगों ने। फिर बात करते हैं मिहिर भोज की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रतिहारा किंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल क्यों, क्योंकि उसने एक्सपेंशन किया, सिंपल सी चीज़ है। और पहले एक्सपेंशन के दो ही तरीके थे, एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस, दो ही तरीके थे एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। अब इनका एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था, कश्मीर से लेकर नर्मदा और काठियावाड़, दैट इज़ इन गुजरात टू बिहार, यू कैन सी हियर, ये आ गई कश्मीर की बॉर्डर, यहाँ से लेके नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है, एंड काठियावाड़, दिस इज़ द काठियावाड़ रीजन, एंड दिस इज़ कामरूप, ये आसाम वाला पार्ट आ गया, बिहार वाला पार्ट आ गया, ओके। एंड सो मिहिर भोज द मोस्ट पावरफुल प्रतिहारा किंग, ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, हिज एम्पायर एक्सपैंडेड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम काठियावाड़ टू बिहार। फिर बात करेंगे महेंद्रपाल की, हु रूल्ड फ्रॉम 885 टू 908 AD, मिहिर भोज का पुत्र था, मिहिर भोज का बेटा था, एंड ही वॉज ऑल्सो पावरफुल किंगडम, एंड दिस इज समथिंग हाउ यू नो बहुत सारे एम्पायर्स, आप आगे चल के देखोगे कि जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर आता है, जब भी कोई एक पावरफुल रूलर आता है, तो उसके बाद जो रूलर आता है बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से दे आर गोइंग टू हैव इट, किस तरीके से वो अपने शासन को चलाएंगे, किस तरीके से वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेंगे, और यही तय करता है कि उस एम्पायर का आगे क्या होगा। आप कहीं पर भी देख लीजिए, हम जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे आप मगध की बात करेंगे तो हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा और अशोका की बात करते हैं, उसके बाद के हमें रूलर्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं, देवर ऑल ड्रेनड आउट। हम जब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की, तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की, हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, हम बात करते हैं चंद्रगुप्ता टू की, उसके बाद फिर वीक रूलर्स आ जाते हैं, क्योंकि वो उस लिगेसी को, उस पॉइंट्स को वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, उन पॉइंट्स को वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। फिर बात करेंगे, तो यहाँ पर भी यही हुआ, लेकिन यहाँ इनके साथ एडवांटेज ये हुआ कि मिहिर भोज का जो बेटा था महेंद्रपाल, ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रूलर एंड ही कैरिड आउट दैट लिगेसी एंड ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल। सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम अभी बिहार तक था, फिर मगध और आगे बढ़ा, और अब नॉर्थ बंगाल तक जो है इनका एक्सपेंशन था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ बिग एंड हाउ एक्सपैंडेड देयर एम्पायर वॉज। नाउ अगर हम बात करें कि ऐसा क्या हुआ, अब एक क्वेश्चन है कि सर वैलिड इनफ कि दे हैड सच ए ह्यूज एम्पायर, वैलिड पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीज़न, अगर ये इतना बड़ा था तो ये इतना बड़ा एम्पायर सस्टेन क्यों नहीं कर पाया, दिस इज अनदर क्वेश्चन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, लास्ट प्रतिहारा, सो नागभट्ट वन से जो कहानी शुरू होती है, नागभट्ट वन था, और उसके बाद कौन आया, उसके बाद लास्ट रूलर कौन था, द राज्यपाल या राजपाल जो है वो आखिर प्रतिहारा किंग था। एंड बाय दैट टाइम, ओके By that time what happened कि ये एम्पायर, जो इतना बड़ा एम्पायर हमने यहाँ पे देखा है, जो इतना बड़ा एम्पायर हमने देखा है, ये यहाँ आके सिमट के रह गया था। ये एम्पायर जो है कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में क्या हो गया था, ये कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में सिमट के रह गया था, ठीक है। देन
स्पेशली अब इनका एम्पायर काफ़ी लंबा था, और हमने देखा कि इसका मेन रीज़न एक और बनता है दैट 1018 AD में महमूद गजनी जो है सबसे पहली बार, महमूद गजनी का जब अटैक शुरू होता है वो कंटिन्यूस अटैक करेगा। 1018 में जब वो अटैक करता है तो इसके बाद हम देखते हैं दैट देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहारा किंग। और जैसे ही देखो, जैसे ही पावर कम होगा वैसे ही जो दूसरे छोटे छोटे फ्यूडिटरीज हैं, जो छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, क्या होगा, वो अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, दे एंड दे विल डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूलर। तो जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी उस वक्त, अब इतने बड़े एम्पायर में देर वॉज वन सेंट्रल अथॉरिटी, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन तो होगा ही, थोड़ा बहुत जो है डिसेंट्रलाइजेशन डेफिनेटली होगा यहाँ पर। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब यहाँ पे और छोटे उन्होंने पावर दे रखे थे, और ये कहीं ना कहीं फ्यूडल सिस्टम को मान रहे थे, फ्यूडल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। मतलब एक ये किंग था, किंग के नीचे जो होता था वो फ्यूडल लॉर्ड होता था, और फ्यूडल लॉर्ड क्या करता था, वो आर्मी मेंटेन करता था अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, और जब कभी भी राजा को ज़रूरत होती थी, मीन्स दे वर नॉट हैविंग दीज पीपल, दीज गुर्जर्स प्रतिहाराज, दे वर नॉट हैविंग ए स्टैंडिंग आर्मी, रादर दे वर डिपेंडेंट ऑन फ्यूडिटरीज। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब गजनी अटैक करता है, और उसके बाद क्या होता है दैट देर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ प्रतिहाराज, उनके जो फ्यूडिटरीज थे, पाल, तोमर्स, चौहान, राठौर, चंदेला, गोहिला, परमार, दे ऑल बिकेम इंडिपेंडेंट। उन्होंने जैसे ही देखा कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है इट इज़ लूजिंग इट्स कंट्रोल, द सेंट्रल अथॉरिटी इज़ लूजिंग इट्स कंट्रोल, वॉट दे डिड, दे स्टार्टेड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट रूलर्स, दे स्टार्टेड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। और यहीं से हम देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज़ जो हैं वो इमर्ज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पालास की। गोपाला जो है इसके फाउंडर थे, 750 AD में इसको फाउंड किया। और पहले क्या थे, पहले ये एक मिलिट्री जनरल थे, जैसा हमने यहाँ देखा फ्यूडिटरी थे, फ्यूडिटरी मिलिट्री मेंटेन करते थे और उसके बदले उन्हें कुछ लैंड रेवेन्यू राइट्स मिलते थे। सो ही वॉज अ चीफटेन और अ मिलिट्री जनरल, और ही वॉज इलेक्टेड बाई किंग। और उस एरिया में, बंगाल वाले रीजन में पालास का रूल था, और पाल जब जहाँ पे रूल था वहाँ बहुत ज़्यादा एनार्की थी, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो इसको कहते हैं ना अव्यवस्था फैल गई थी। और उस अव्यवस्था को बचाने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो भी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया नाउ यू टेक केयर ऑफ दिस, नाउ यू आर द किंग, और इस एनार्की से अब तुम ही बचा सकते हो। एंड बाय एंड दिस इज हाउ ही फाउंडेड द पाला डायनेस्टी। जब इसकी मृत्यु हुई, जब गोपाला की मृत्यु हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक बंगाल और मोस्टली बिहार, मोस्ट ऑफ द बिहार वॉज अंडर देयर कंट्रोल, बंगाल एंड मोस्ट ऑफ द बिहार वॉज अंडर देयर कंट्रोल। उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई ओडांटापुरी में, ध्यान रखिएगा कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। आई कॉल दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स एज PPQ, पॉसिबल एंड प्रोबेबल प्रिलिम्स क्वेश्चंस। सो क्यों, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। हु, गोपाला, फिर से बता दूँ, Gopala was the first Buddhist king of Bengal. Gopala was the first Buddhist king of Bengal. ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर धर्मपाल, ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाला, रूल फ्रॉम 770 to 810 AD, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पायस बुद्धिस्ट। आपको इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, इनके बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आ सकता है, अगेन अ PPQ, अ पॉसिबल प्रिलिम्स क्वेश्चन, दैट ही फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर इन बिहार। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसकी नींव किसने रखी, इसकी नींव रखी धर्मपाल ने। लेकिन जब तक इनका समय आया, 810 वाला जो ये जो 770 to 810 रफली स्पैन ऑफ 40 years, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही वॉज हैविंग फ्रीक्वेंट वॉर्स विद प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटाज, ही वॉज हैविंग प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूट। और यहीं पर जो है हम देखेंगे आगे चल के कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, यहीं पर हम देखेंगे कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल शुरू होगा। तीन लोग एक ही जगह के लिए अपना स्ट्रगल, अपना झगड़ा शुरू करेंगे, अपनी लड़ाई शुरू करेंगे, एंड दैट इज कन्नौज। अब आप देखिए कि कहानी जो शुरू होती है वो मगध से शुरू होती है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, आपको एंशियंट टाइम पे मगध वॉज द पावर सेंटर। ये अर्ली मिडिवल टाइम्स में कन्नौज
विल बिकम सेंटर एंड लेटर ऑन फिर आप देखेंगे दिल्ली, आगरा बिकेम द सेंटर, फिर जब ब्रिटिश आ जाएंगे तो कैलकटा विल बिकम द सेंटर, और फिर ब्रिटिश 1911 में जब कैपिटल को शिफ्ट करेंगे अगेन दिल्ली विल बिकम द सेंटर ऑफ एक्शन। तो सारी कहानी नॉर्थन इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इन चार पांच शहरों तक जो है घूमती रहेगी, इन चार पांच किंगडम्स या चार पांच जो प्रिंसिपैलिटीज थी जो बाद में बड़े शहर बने, पावर सेंटर्स यही रहेंगे। लेकिन धर्मपाल के बारे में अगर हम फिर से कमिंग बैक टू हिम, अगर हम धर्मपाला के बारे में बात करते हैं, धर्मपाल जो है ये कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम उनके टाइम पे। पालाज वॉज हैविंग द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि ये कन्नौज की अगर हम बात करें, कन्नौज किस तरफ है, लेट मी टेक बैक इट मैप, कन्नौज यहाँ कहीं है ठीक है। अब ये यहाँ पर भी पालाज का रूल था और यहाँ पर भी जो है वो रूल कर रहे थे। सो नो डाउट धर्मपाल के समय पे जो है दिस बिकेम द पाला एम्पायर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। फिर धर्मपाल और अब यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि जो भी एक्सपेंशन होता था, एक्सपेंशन के दो ही तरीके थे, या तो एक्सपेंशन बाय कॉन्क्वेस्ट होता था या एक्सपेंशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस होता था, दो ही तरीके थे अपना साम्राज्य बढ़ाने के, अपने साम्राज्य को एक्सपैंड करने के। पहला क्या था, कॉन्क्वेस्ट, दूसरा था मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। सो द सन अब ये देव अभी हमने यहाँ पे देखा कि ही वॉज हैविंग स्ट्रगल विथ राष्ट्रकोटा, ही वॉज हैविंग फ्रीक्वेंट वॉर्स विथ राष्ट्रकोटा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उनका धर्मपाल का जो विवाह होता है वो उनकी एक रानी जो थी वो राष्ट्रकोटा जो है प्रिंसेस थी, मीन्स मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी चल रहे थे। देवपाल ने क्या किया, ही ऑल्सो रूल्ड फॉर अ स्पैन ऑफ 40 ईयर्स फ्रॉम 810 टू 850 AD एंड ही एक्सटेंडेड दिस किंगडम फ्रॉम असम टू असम, उड़ीसा एंड कामरूप और आगे जाके। अगेन अ बुद्धिस्ट और अमोघ वर्षा, अभी हम राष्ट्रकोटा को जब आगे लेक्चर सीरीज में देखेंगे, हम राष्ट्रकोटा के ऊपर जब हम किंगडम्स ऑफ द डेक्कन की बात करेंगे वहाँ हम राष्ट्रकोटा की बात करेंगे, और वहाँ आप देखोगे अमोघ वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा राष्ट्रकोटा हिस्ट्री में, और उसको जो है देवपाल हराएगा। तो बट बेसिकली ही वॉज हैविंग हिज टसल विथ, ही वॉज हैविंग हिज टसल विथ हिज ननिहाल काइंड ऑफ थिंग, अपने ननिहाल से उसका स्ट्रगल चलेगा और वहाँ वो डोमिनेट करेगा। आफ्टर हिम 988 इम्पॉर्टेंट ये अगर हम बात करें, सो हमने देखा कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो चलता रहेगा बिटवीन द पालाज, प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटाज इस पूरे रीजन के लिए। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट महिपाल वन ही असेंडेड द थ्रोन इन 988 AD एंड ही रिकवर्ड नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बंगाल, बिहार को भी लिया। रामपाल वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग पाला किंग जिसने जो है जिसके टाइम जिस तक आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग किंगडम के तौर पे ये एक इस्टेब्लिश था। उसके बाद हमें एक ऐसा वो नहीं दिखता एंड द किंगडम स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट, और इसका जो बेटा था कुमारपाल उसके समय पे क्या हुआ, ये किंगडम का डिसइंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो गया। लास्ट पाला किंग वॉज मदन पाल 1144 टू 1162, और इसके बाद जो है बंगाल के उसमें पालास के बाद आ जाते हैं सेनास, आगे चल के देखेंगे। तो पाला डायनेस्टी के बाद कौन आया, पाला डायनेस्टी के बाद आए सेनास। अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज की। अब आई एम नॉट गोइंग मच इनटू डिटेल ऑफ दिस, बट इफ़ यू विल सी दिस रीजन, ये रूल था गुर्जर प्रतिहाराज का जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो था ये पाला, ये देखो कन्नौज पे इनका भी रूल रहा, और ये और यहाँ से ये नीचे से आते हैं ऊपर तक कौन, राष्ट्रकूटास। ओके सो ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल था, ये देखो ये कन्नौज पे तीनों का एक पॉइंट पे रूल आएगा, वेन डायग्राम बन गया, सी साइड भी पढ़ते रहो साथ साथ। सो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बनता है किस किस के बीच, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बनता है प्रतिहाराज ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये रहे पालाज ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूटाज ऑफ डेक्कन। और ये ऐसा नहीं था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तीनों आर्मी आई और आपस में भिड़ गई और आपस में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। दिस स्ट्रगल लास्टेड फॉर 200 ईयर्स।
I'm just telling you the significance of that. And ultimately, देखिए, it's very easy to tell, but every war has a cost. Every war has a cost. तो ये जब लड़ रहे थे आपस में तो क्या हुआ, ये पड़ गए कमज़ोर, और जब ये पड़ गए कमज़ोर, दिस इनेबल्ड द टर्क्स टू ओवरथ्रो देम. अब यहाँ से आपको दिखेगा, ये रहा आपका मुल्तान, ये रहा आपका सिंध, और यहाँ से जैसे ही देखेंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं, नाउ लेट अस टेक द कंट्रोल, और यहीं से हम देखते हैं कि इन्वेजन शुरू होता है. ओके उसके अलावा जो दूसरे फ्यूडेटरीज थे, जो दूसरे लोग थे जो कि प्रतिहारास के, गुर्जर प्रतिहारास के फ्यूडेटरी थे, और उन्होंने बाद में अपने आप को इस्टेब्लिश किया. सबसे पहले हम बात करते हैं तोमर्स ऑफ दिल्ली की. अगेन ये भी जो है ये प्रतिहारास के फ्यूडेटरी थे, और 736 में अब तक दिल्ली का कोई वजूद नहीं था. लेकिन तोमर्स के लिए इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, तोमर्स वर द वन हु फाउंडेड द सिटी, एक्चुअली फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 AD. उससे पहले दिल्ली थी नहीं. तो दिल्ली जैसे शहर को, दिल्ली शहर की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है. एंड महिपाल तोमर ने थानेश्वर, थानेसर जिसे हम कहते हैं, हंसी, नागरकोट और ये सारा रीजन जो है वो बाय 1043 AD अपने कब्जे में लिया. लेकिन इन द मिडिल ऑफ 12th AD, मतलब समवेयर अराउंड 1150 के आसपास, एंड व्हाट हैपेंड दैट ये जो दिल्ली वाला रीजन था, ये जो तोमर्स वाला रीजन था, इसको किसने कैप्चर कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया चौहान्स ने. एंड देन सो दिस स्टोरी इज लाइक दिस, तोमर्स हु वर फर्स्ट फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहारास फॉर अ स्पैन ऑफ रफली 300 ईयर्स दे रूल दिल्ली, 300-400 ईयर्स दे रूल दिल्ली एंड द सराउंडिंग रीजन. और फिर मिड ऑफ 12th सेंचुरी में क्या होता है, दीज तोमर्स, ये चौहान्स जो हैं वो दिल्ली को, अब यहीं तो देखोगे आप 1150 के बाद यहाँ चौहान्स का रूल होगा और पृथ्वीराज चौहान जो है वो आएंगे. अभी तक तो दिल्ली पे तोमर्स का रूल था. और फिर ये तोमर्स क्या होंगे, दीज तोमर्स विल बिकम द फ्यूडेटरीज ऑफ चौहान्स. चौहान्स इसलिए चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर हम दोनों कहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली पे भी रूल कर रहे थे. सिग्निफिकेंटली जो उनका प्रोमिनेंस दिखता है वो दिल्ली में दिखता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एपिसोड ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, बट देवर द रूलर्स ऑफ अजमेर. सेम थिंग, देवर ऑल्सो द फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहारा एंड दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस इन 1101. इन्होंने बहुत आगे चल के, क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये गुर्जर प्रतिहारास का जो ये वाला रीजन था, ये माउंट आबू या अजमेर वाला रीजन आ गया, ये वाला जो रीजन था ये अभी भी उतना मतलब कहना चाहिए कि दिस इज द होल लाइन, दिस इज दिल्ली. ओके अभी तक यहाँ पे उनका कंट्रोल था. तो दैट्स वाई जो फ्यूडेटरी इधर के जितने दूर के फ्यूडेटरी थे वो उतना जल्दी जो है उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. ठीक है, सो दे कैप्चर्ड, सो 1101 दे डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट. एंड तब तक ये किसके फ्यूडेटरी थे, किसके जो है ये फ्यूडल्स थे, ये थे प्रतिहारास के. एंड देन दे कैप्चर्ड उज्जैन फ्रॉम परमार्स ऑफ एंड दिल्ली को उन्होंने कैप्चर किया. और जब उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, सो दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू दिल्ली. सो चौहान्स देवर फ्रॉम अजमेर, अजमेर रीजन से आ रहे थे. और जैसे ही दिल्ली कैप्चर करते हैं वो तोमर से, वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं अजमेर से दिल्ली, ये ध्यान रखिएगा. देन नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पृथ्वीराज चौहान. ओके कुछ स्लाइड में इशू हो गया, नॉट ए प्रॉब्लम, दिस वन स्लाइड. ओके उसके बाद बात करते हैं द राठौर्स ऑफ कन्नौज की, 1190-1194 AD, इस वाले टाइम पीरियड की. और अब देखो कन्नौज के लिए स्ट्रगल था, और इन्होंने भी अपने आप को कन्नौज में इस्टेब्लिश किया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. और इनका लास्ट ग्रेट रूलर कौन था, इम्पॉर्टेंट ये नहीं, सिर्फ जयचंद राठौर जो है इम्पॉर्टेंट थे. और ये क्यों इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी से हार गए. ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ चांदवार 1194. बैटल्स अब बहुत ज़्यादा आएंगी, और बैटल से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा. अब बैटल्स के लिए सर क्या किया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना सिर्फ तीन कॉलम बनाने हैं, तीन या चार कॉलम आप बनाओगे आपका काम हो जाएगा. एक टेबल बना लेना तो उसमें लिखोगे बैटल, ठीक है, ईयर और पार्टी, मतलब टीम ए कौन थी,
टीम बी कौन थी? तो जैसे मान लो बैटल कौन सी थी, चांदवार, ईयर 1194, टीम ए कौन थी, जयचंद, टीम बी कौन थी, मोहम्मद गौरी, और जो जीत जाए उसमें उसको वो कर लेना। और आगे चल के आप देखोगे कि एवरी बैटल विल एंड बाय अ ट्रीटी, एवरी बैटल विल एंड बाय अ ट्रीटी। तो कौन सी ट्रीटी, जैसे हम आगे चल के देखेंगे कैसे बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे बैटल ऑफ बक्सर, मिडिवल हिस्ट्री में ट्रीटीज़ नहीं मिलेंगी, मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रीटीज़ मिल जाएंगी। बैटल ऑफ बक्सर 1764, पार्टी ए कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पार्टी बी में कौन कौन थे, तीनों थे अवध, आई एम सॉरी, अवध, लखनऊ, बंगाल और दिल्ली, इट वॉज़ योर शाहआलम, शुजाउद्दौला एंड मीर कासिम। जीता कौन, जीता आपका ए आई सी, ट्रीटी कौन थी, अलाहाबाद। इस तरीके से आप टेबल बना लोगे तो आपको ईज आउट रहेगा चीज़ों को याद रखना, ठीक है। सो जयचंद ही वॉज किल्ड इन बैटल ऑफ चांदवार 1194 बाय महमूद गौरी। उसके बाद हम बात करते हैं चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड की, और इनकी कैपिटल क्या थी, इनकी कैपिटल थी महोबा। कैपिटल्स याद रखना, क्योंकि कैपिटल्स भी हो सकता है वो मैच करने के लिए इस तरीके के जो है वो क्वेश्चंस आपको दे सकें। महोबा वॉज देयर कैपिटल और कलिंजर वॉज देयर इंपॉर्टेंट फोर्ट, ठीक है। चंदेलाज वॉज खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो बनाने के लिए, और द कंडारिया महादेव टेम्पल, तो ये सारे टेम्पल्स जो हैं इनके इनके टाइम पे बने, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड बट परामल परामल वॉज द लास्ट चंद्र रूलर हु वॉज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1203। अभी भी देखो 1203 मतलब अभी दिल्ली सल्तनत का रूल जो है वो शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली सल्तनत का मामलुक डायनेस्टी का रूल शुरू होगा 1206 से, उससे पहले ही यहाँ से क्या हो रहा है, ये लोग एलिमिनेट होना शुरू हो गए, ये लोग यहाँ से हटना शुरू हो गए। फिर हम बात करते हैं द गोहिलाज और द सिसोदियाज ऑफ मारवाड़ की। अब राजपूत रूलर, इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो गोहिला या सिसोदिया डायनेस्टी के थे वो बापा रावत थे, और चित्तौड़ इनकी कैपिटल थी। कैपिटल्स फिर कह रहा हूँ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़ इनकी कैपिटल थी। और यही ये कौन सा दौर था, ये दौर इनके सबसे इम्पोर्टेंट इज राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़, और यहीं पर आपकी फिल्म पद्मावत की कहानी लिखी जाती है। सो राणा रतन सिंह वाला जो पार्ट है वो यू नो ही वॉज फ्रॉम दिस सिसोदिया यू नो क्लैन, और ये उस फैमिली के थे। कैपिटल वॉज देयर चित्तौड़, मेवाड़ तक जो है इनका वो था। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो आपने वो दैट मूवी इज दैट मूवी पद्मावत जिस प्लॉट पे बेस्ड है, वो यहीं पे इसी दौर में जो है वो आता है। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, सॉरी महाराणा प्रताप, और ये जो थे ये आगे चल के और इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि वी सो वी विल सी अ मुगल राजपूत कॉन्फ्लिक्ट एंड अ मुगल राजपूत अलायंस। तो कुछ राजपूत ऐसे होंगे जो मुगल के साथ अलायंस करेंगे, और कुछ राजपूत ऐसे होंगे जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ रहेगा। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट इन दोज हु आर हैविंग द कॉन्फ्लिक्ट विल बी हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स इन द लेटर स्टेज विल बी द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़। तो ये एक हम आगे चल के एक और चीज़ अभी हम इनसे रिलेटेड देखेंगे। बट अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इस टेरिटरी एंड डिफीटेड हिम, एंड दैट्स ट्रू, एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी ऑफ सिसोदिया। उसके अलावा द परमार्स ऑफ मालवा, ये भी जो है प्रतिहाराज के फ्यूरिट्री थे, एंड दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस इन 10th सेंचुरी। धार उनकी कैपिटल थी, कैपिटल फिर ध्यान रखना। राजा भोज इनकी सबसे वो इम्पोर्टेंट चीज़, राजा भोज वही थे 1018 to 1069, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट रूलर थे परमार्स के। और कंस्ट्रक्टेड द यस राजा भोज बीच में भोपाल प्लेस वेयर आई कम, भोपाल का नाम बीच में अगर आपको आई डोंट नो से कुछ 15 साल करीब पहले की बात होगी, भोपाल का नाम बीच में भोजपाल करने की बात हुई, बट समहाउ इट कुड नॉट गेट मटेरियलाइज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन भोपाल में जो जिन्होंने भोपाल देखा होगा, तो भोपाल का जो बड़ा तालाब है, जिसे बड़ा तालाब कहते हैं, दैट लेक, एंड नो डाउट यस दैट इज़ अ 250 स्क्वायर माइल नियर भोपाल, सो दैट वॉज दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। और मैन यू नो दैट लेक इज हैविंग
ग्रेटर एरिया, और इसीलिए वो वहाँ पे कभी जिसने भोपाल विज़िट किया होगा दे मस्ट हैव सीन अ बिग स्टैच्यू ऑफ राजा भोज आउट देयर एट द लेक, और वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बनवाई। और धार में ही संस्कृत लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज जो है वो सेटअप करते हैं, तो कई बार इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो और इनका एंड किससे होता है, इनका एंड कौन करता है, इनके रूल का एंड करता है अलाउद्दीन खिलजी आगे चल के, ठीक है, द परमार्स। अब अगर हम बात करें राजपूत रिलीजन और उनका जो अपार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो नेचर ऑफ राजपूत और गवर्नेंस एंड, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जो मेन मकसद था वो देवर वॉरियर्स, इसमें कोई शक नहीं, फाइनेस्ट वॉरियर्स हिस्ट्री के अंदर, इतना करेज बहुत कम देखने को मिलेगा जितना राजपूतों ने दिखाया, इसमें कोई दो मत नहीं है, देयर इज नो सेकेंड ओपिनियन इन दैट दैट द करेज एंड the valor that has been shown by the Rajputs is unmatchable in history, because and this was their, they say that this is the protection of women and the protection of the weak or the weaker section is something which is above everything in for us. Religion ki baat kare to Hinduism follow karte the lekin tolerant the dusre religion ke sath, unka kuch aisa nahi tha, aur Buddhism aur Jainism ko bhi wo patronize karte the. हम आगे चल के देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होगी, भक्ति मूवमेंट की जब शुरुआत होगी तो उस भक्ति मूवमेंट में भी आप देखोगे कि ये इसी टाइम पीरियड पे आता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, सर ये इतना अच्छा था, इतने बहादुर थे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये आती है कि इनका जो गवर्नेंस था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था। जब हम कहते हैं कि देयर गवर्नेंस एंड देयर गवर्नमेंट वॉज आउटडेटेड इन कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि ईच किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ जागीर्स, और ये जागीर कौन हेल्प कर रहा था, ये जागीर हेल्प कर रहे थे जागीरदार। अब इन जागीरदार क्या, जैसे ही अब हर जागीरदार को जो है अपना एरिया बढ़ाना है तो उन वो आपस में लड़ रहे होते थे, उनको किसी को राजा के गुड बुक्स में आना है वो अपने आपस में लड़ रहे होते थे, एंड दिस क्रिएटेड इंटरनल वीकनेस। आगे चल के आप देखोगे लिटरेचर, यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे काल हांस की राज तरंगिनी, जयदेव की गीत गोविंदम, सोमदेव्स कथा सरित सागर, चंदन बरदाई की पृथ्वीराज रासो, यहीं से जो है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स नहीं है बट देज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। भास्कर आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी, विच इज़ अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। सो राजपूत लिटरेचर में आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में। सो रफली दिस वॉज ऑल अबाउट द राजपूत रूल, दिस वॉज ऑल अबाउट द राजपूत मेजर किंगडम्स और मेजर जो क्लैंस थे, मेजर फैमिलीज थी जो रूल कर रही थी उस टाइम पीरियड, ठीक है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू इन दिस पार्ट, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हम इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और अगेन क्योंकि रिविजन है, क्योंकि हम इसे एक फास्ट मोड में ले जाएंगे, तो आई एम नॉट गोइंग वे मोर इनटू डिटेल्स, बट यस आई एम ट्राइंग कि जो भी हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे मेजर यू नो दोज विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, वो सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देन ऑल्सो डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, दे आर ऑलवेज वेलकम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।